पूरे राज्य में काम कर रहे हैं, मगर हम सेंटर क्या करें, मीटिंग तो कर नहीं सकता, तो हम भाई हम अपनी बात कहेंगे। ये बंगाल में क्या था कि बंगाल में ये एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे, बंगाल में बीजेपी के लोग एक मुट्ठी हर घर से चावल मांग रहे थे, को भंडारा चलाना था क्या इनको, एक मुट्ठी चावल में वोट मांग रहे थे। हमने सिर्फ जाकर उनको ये कहा कि जो इस चावल की कीमत है, भारत सरकार 1900 रुपया देती है, 19 रुपया किलो, आप ये कहोगे हम एक मुट्ठी चावल तो देंगे लेकिन हमें इसकी गारंटी दे दो कि जो भारत सरकार का रेट है उस पर हम खरीद करेंगे। ये वन से भाग गए, हम तो जनता को बात बताते हैं भैया, हम और कुछ नहीं करते। पश्चिम यूपी के चुनाव हो गए अभी हाल में, ओवर हो चुके चुनाव, वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा रहा। सत्ता पक्ष का कहना है कि बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज का मतलब कि हम बहुत आगे निकल गए, और चूंकि आपका गढ़ रहा है फिर वहां पर क्या कोई ऐसा नहीं दिख पाया क्या वहां पर? वो तो 10 तारीख को पता चलेगा। देखो इनको नुकसान है, अंदर अंदर करंट है जनता में, वो बोलेगी तो है नहीं, लेकिन उसको अगर छेड़खानी करोगे तो करंट मारेगी, तो चुनावी करंट है वो लगेगा, जो उसके साथ छेड़खानी करेगा वो करंट लगेगा। अच्छा, देश में मुख्यमंत्री बने कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री चुनका हुए कोई दिक्कत नहीं है, देश कोरिया ना बने और सेकंड किंग जोंग देश में पैदा ना हो, हमारा मुद्दा ये है। आप नरेंद्र मोदी को किंग जोंग की तुलना ना, ना हमने कहा? अरे आप कह रहे हो तो आप या जनता अपने आप नाम लेगी, जनता अपने आप नाम लेगी, हम नहीं लेते नाम, हम तो प्रश्न करते हैं, उत्तर तो जनता दे देती है, अपने आप बताओगे आप कौन है? सर एक सवाल ये है कि आज फिर से किसानों को साधने के लिए देश के प्रधानमंत्री कानपुर देहात में बड़ी जनसभा कर रहे हैं, क्या? और करनी चाहिए जनसभा, हाँ करनी चाहिए, भीड़ कहां से जाओगे? भीड़ नहीं आओगी फिर कैंसिल करेंगे, कोहरा है, वो धूप को चमकीली धूप बताओगे।